क्वेश्चन 168, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी। देखो ए पॉइंट यहाँ पर है और बी पॉइंट यहाँ पर है, इसके बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आप ये देखो, चाहे पॉइंट ए हो, पॉइंट ई हो या पॉइंट एफ हो, ये सब एक ही वायर से कनेक्टेड है, तो आप इनमें से किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वो सेम ही होगा। मतलब वी ए बी कह लो या वी ई बी कह लो या वी एफ बी कह लो, एक ही बात होगी। ठीक है, तो पहले कैलकुलेट करते हैं कि टोटल इक्विवेलेंट यहाँ पर कैपेसिटेंस कितना होगा। यहाँ पर थ्री और ये वाला थ्री, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, और ऐसे ये वन और ये वन दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, कैपेसिटर में जो फॉर्मूला होता है, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसके लिए इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2, और अगर वो सीरीज में, ये सीरीज का हो गया, ये CP है, C1 प्लस C2 पैरेलल के लिए, सीरीज के लिए होता है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस में 1/C2। फिलहाल थ्री और थ्री दोनों किस में पैरेलल में है, तो उन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3/3 का इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 माइक्रो फेराड। ऐसे ही 1 और 1 का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 1+1 2 माइक्रो फेराड। तो इसी सर्किट को मैं रिड्रॉ कर लेता हूँ, ये 3 ओम और 3 ओम का तो हमने फाइंड कर लिया कितना आ गया 6 माइक्रो फेराड, ओम नहीं मतलब माइक्रोफेराड, तो यहाँ पर 6 माइक्रो फेराड हम लिख सकते हैं। फिर बीच में बी पॉइंट है, उसके बाद 1 और 1 का सॉल्व कर लिया हमने कितना, 2 माइक्रोफेराड, और यहाँ पर नीचे 1 माइक्रोफेराड को एज इट इज रहने देते हैं बी के लिए 1 माइक्रोफेराड। फिर ये 220 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर बैटरी 100 वोल्ट की, फिर एक पॉइंट सी और 10 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक, अब हमें ये देखो पॉइंट ए यहाँ पर है, तो उस पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और यहाँ पर ये सी पॉइंट है ना, सी पॉइंट को आप इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, एक ही बात होगी। अब ए और बी का हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अभी मैं आपको एक डायरेक्ट कंसेप्ट बता देता हूँ, जैसे कोई दो कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड है, लेट उनके अक्रॉस वोल्टेज है V1 और V2 और नेट वोल्टेज है V, तो आप ऐसे लिख सकते हो जो वोल्टेज अक्रॉस C1 होगी यानी कि V1, वो हो जाएगी नेट वोल्टेज कितनी है, दूसरा वाला कैपेसिटेंस अपॉन में C1 प्लस C2। ऐसे ही अगर आप V2 निकालेंगे तो V2 इक्वल टू होता है V C1 अपॉन में C1 प्लस C2। इसको मैं प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ कैसे होता है, लेकिन आप डायरेक्टली इस रिजल्ट को याद रखिएगा, जब भी दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हैं तो उनके क्रॉस वोल्टेज हम इस तरह से निकाल सकते हैं अगर हमें नेट वोल्टेज पता है। तो ये आता कैसा है, देखो हमें पता है कि अगर दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनके क्रॉस चार्ज सेम रहता है, तो Q1 Q2 के इक्वल होगा, और Q इक्वल टू कितना होता है CV, तो C1 V1 इक्वल टू किसके होगा, C2 V2 के। तो मैं ये लिख सकता हूँ V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1 V1 अपॉन में C2, या फिर हमें क्या निकालना है, ये तो हो गया V2 इक्वल टू C1 V1 अपॉन में C2। फिर जो नेट वोल्टेज होगी वो एक क्रॉस V1 प्लस V2 के बराबर होगी, मतलब कैपेसिटेंस C1 और C2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है V1 V2, उन दोनों को एडिशन इक्वल होगा नेट वोल्टेज के। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू V1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी, C1 V1 अपॉन में C2, या फिर V1 अगर आप कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 अपॉन में C2। तो यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी आ गई, V C2 अपॉन में C1 प्लस C2। यही चीज़ मैंने आपको डायरेक्टली बता दी थी कि V C2 अपॉन C1 प्लस C2 के इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, और ये है दूसरा कैपेसिटेंस। तो अगर मैं इन दोनों, ये दोनों किस में, सीरीज में, अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस ए बी देखूंगा तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कि नेट वोल्टेज कितनी है हमारे पास, या पहले मैं बता देता हूँ, V में दूसरा वाला कैपेसिटेंस V C2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो लेट ये C1 और ये C2 है, तो वोल्टेज, नेट वोल्टेज है 100, दूसरा वाला कैपेसिटेंस कितना है 2 अपॉन में C1 प्लस C2 कितना आ जाए यहाँ पर, इन दोनों का एडिशन यानी कि 6 और 2 8, सो वी कैन राइट इट एज यहाँ पर 4 आएगा, 100 अपॉन 4 मतलब 25 वोल्टेज, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए 25 वोल्टेज। ऐसे अगर आप वोल्टेज देखोगे बी और सी के बीच में VBC, सो इट विल बी इक्वल टू नेट वोल्टेज कितनी, 100 इंटू में दूसरा वाला कैपेसिटेंस अपॉन में दोनों का एडिशन, तो ये आ जाएगा
ये आएगा 4, यानी कि 25 और टीए 75 75 वोल्टेज। तो आप ये देख सकते हो कि BC के क्रॉस वोल्टेज 75 है, AB के क्रॉस 25 है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर बीच में 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस लगा है, इसमें चार्ज जाएगा नहीं, सीधा ये इस तरह से सर्किट फ्लो होगा। क्वेश्चन में हमें बोला भी स्टेडी स्टेट में, तो स्टेडी स्टेट में यहाँ पर जो 1 माइक्रोफेराड है इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसको हम ओपन सर्किट कंसिडर करेंगे, ओपन सर्किट। तो इसको आप इग्नोर ही कर सकते हो, फिर और इजिली आप इमेजिन कर सकते हो कि 6 और 2 के ओम के क्रॉस, 2 माइक्रोफेराड के क्रॉस किस तरह से हमने वोल्टेज निकाली है।